नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। साथ ही मैं दोस्तों इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंचाए गए हैं। अब दोस्तों, पीले चावल का अगर आपके घर पर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वह भी अयोध्या का, तो भाई आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। साथ ही मैं दोस्तों जिन जिन लोगों के घर पर यह पीले चावल पहुंचे हुए हैं, उनके मन में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि भाई हमारे घर पर यह अयोध्या के पीले चावल आए हैं, निमंत्रण स्वरूप तो हम इन पीले चावलों का क्या करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है, ये आपकी जीवन को बदलने वाले चावल है, आपकी पूरे साल को, आपके पूरे भाग्य को बनाने वाले चावल है। ठीक है, इन पीले चावलों को आपको कहां कहां पर किस समय रखना है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आपके घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों इस बार जो 22 जनवरी पर रही है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये सोमवार का दिन पर रहा है, कि बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो दोस्तों गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है, तो दोस्तों यह जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं, ना ऐसा ना हो कि भाई आपके पास ये पीले चावल आए और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगहों पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको आपको अभी कहीं पर नहीं रखना है। वो जैसे आए हैं उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पुड़िया में बंद करके रख दो, या एक थैली में कुछ अच्छे से सुरक्षित कर दो। ठीक है, तो आखिर इनका हमें करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले चीज, ये जो पीले चावल है, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते, जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, हम इन चावलों की पूजन नहीं कर लेते, है ना? अब ये बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश दोस्तों आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान आए हैं इन पीले चावल लेके स्वरूप में। ठीक है, तो अब आप तो अयोध्या नहीं जा पाओगे, ज्यादातर लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, तो वो अपने घर पर ही उस पल को महसूस कर सकते हैं, उस भगवान राम के आशीर्वाद को मतलब ले सकते हैं। किसके द्वारा? इन पीले से, आप लोगों के द्वारा। इसीलिए दोस्तों आपके पास जो पीले चावल आए हैं, उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना, उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले इनकी पूजन करनी है। ठीक है, 22 जनवरी के दिन आप लोगों को विशेष रूप से जो पूजन करेंगे, सभी लोग दीपदान करेंगे, दीपक जलाएंगे, वो शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, वो पूरे दिन में कभी भी अयोध्या राम मंदिर में हो जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया उसके सहारे से कहीं पर भी देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर जो आपके पीले चावल है, वो आप लोग किस जगह पर रखोगे? जहाँ पर आप लोग रात्रि में राम भगवान की पूजन करने वाले हो। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वैसे ही ज्यादातर लोग जो है, वह इस दिन, मतलब रात्रि में ही जो है, भगवान राम के आने के उत्सव में खुशियां मनाएंगे, और खुशियां मनाएंगे तो उनकी पूजन आराधना भी होगी, उनकी आरती भी गाई जाएगी। ठीक है, तो रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कि भाई आपको किस समय ये आरती मतलब करनी है। रात्रि के समय में तो देखो दीपावली की आरती का भी एक समय होता है, एक शुभ समय होता है, पर यहाँ पर भी आप लोग एक अनुमानित समय सोच सकते हो कि भाई जो रात का समय होगा या शाम के बाद का जो समय होगा, उस समय आप अपने घर में ये वाली पूजन शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं, तो ठीक है, लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी 22 जनवरी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप अपनी पूजन शुरू कर सकते हो। ये जो पीले चावल है ना, ये पीले चावलों को पहले आप लोग अपने पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दोगे, और जब आपके घर पे ये चावल आए, जब भी आए हो, तो भी उस समय से लेकर भी आप लोगों को ये चावल के दाने हर कहीं नहीं रखने, सिर्फ पूजने वाले स्थान पर रख देने हैं। ना तो सबसे पहले अगर आपके पास राम भगवान की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, भाई उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है, जहाँ पर आप अपने घर में पूजन करने वाले हो भगवानों के लिए। ठीक है, तो अगर भगवान राम जी की, मियाँ सीता जी की, लक्ष्मण जी की कोई मूर्तियाँ, फोटो ना भी होना। आपके पास ये अयोध्या से आए हुए पीले चावल है, उसमें हम भगवान राम है, ठीक है, उनका आशीर्वाद इन चावलों में छुपा हुआ है, माता सीता जी का, लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद इनमें छुपा हुआ है ना। जब मूर्ति ना हो, राम भगवान की तस्वीर ना हो, आप बाजार से भी ला सकते हो अगर आपका मन है, और अगर नहीं है, आपको लाने का मन भी नहीं है, तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो। ठीक है, क्योंकि राम भगवान का ही स्वरूप भगवान कृष्ण जी है,
लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे, है ना? तो इसीलिए दोस्तों आप उन पीले चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, है ना? उसके बाद में दोस्तों आप अपने घर में जो है एक जो है राम ज्योति भी तैयार करना, ठीक है? राम ज्योति वो ज्योति जो कि एक दीपक हम भगवान राम जी के लिए लगाने वाले हैं, वो एक दीपक जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी के लिए आने वाले हैं, वो देख अब पक्का आप अखंड भी जला सकते हो। अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हो तो अखंड बनाना, और अगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए जलाना चाहते हो तो भाई आप लोग मतलब जो नॉर्मली एक मीडियम साइज का दीपक होता है वैसा भी आप लोग चला सकते हो, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों ये तो एक राम ज्योति हुई, पर इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। अब यहाँ पर 5 की दीपक क्यों लेने हैं? तो देखो 5 के अलावा आप 1121 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक भी ले सकते हो। आपको आपके घर अपने घर का रोशन करना है, ठीक है? तो बस 5 दीपक लेने का यह मतलब है कि 5 दीपक एक ऐसा नंबर होता है, एक शुभ नंबर होता है, एक तरीके से ठीक है। और 5 दीपक भी अगर आप चलाएंगे तो सही रहेगा, है ना? ज्यादातर लोग जो है 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आपका मन ज्यादा जलाने का है तो आप ज्यादा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगहों पर ये दीपक जलाना है, ठीक है? तो करना क्या है, रात्रि के समय भगवान के लिए भोग भी तैयार कर लेना, अपने पीले चावल को पूजने वाले स्थान पर रख लेना, वहाँ पर भगवान को तिलक करना, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए मतलब एक खुशी जाहिर करना, उनके सामने उनके लिए एक लोटा शुद्ध जल भरकर रखना, उनको जल पिलाना, उनको भोग लगाना, उनका तिलक करना, उनको चावल समर्पित करना, जो ये आपके पीले चावल है ना, इनको भी आप तिलक करना, इनको भी चावल करना, इनको भी भोग करना, क्योंकि आपके लिए तो ये स्वयं भगवान राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आ गए हैं ना, तो आपको इनको भी जो है भोग समर्पित करना है। सारे जो आप घर में जो चीज बनाओगे ना भोग के लिए, वह शुद्ध देसी गाय के दूध से बना, ना बाहर की कोई भी सामग्री भगवान के प्रसाद के लिए मत लाना। भारत बहुत सारी मिलावटी चीज होती है और भगवान को मिलावटी जिसे नहीं पसंद होती है, और हमें अपने घर पर ही कोई भी चीज शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाकर भगवान को इस दिन भोग लगा दी है, ठीक है? जो कि आप लोग सादा खीर भी बना सकते हो, चावल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आपकी एक राम ज्योति जो है वो आप चला लीजिएगा। उस राम ज्योति को जलाने से पहले हम आपको एक बात बता दें, ये राम ज्योति का दीपक और जो बाकी के 5 दीपक हैं, या आप किस चीज के लोगे, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सभी दीपक है ये आप मिट्टी के लिए दीपक लोगे, ठीक है? राम ज्योति का तो भाई विशेष रूप से आप मिट्टी का लेना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का। अखंड ले रहे हो तो बड़ा दीपक लेना, और नॉर्मल ले रहे हो तो भाई वो मीडियम साइज का एक दीपक लेना, ठीक है? राम ज्योति वाला इसके साथ में जो 5 दीपक है वो भी आप लोग मिट्टी के ही लेना है ना। अगर नए किसी कारणवश ना मिले, नए हो तो नया लेना, देना भी मिले तो पुराने जो दीपक है उनको साफ करके इस्तेमाल में ले लेना, ठीक है? तो एक राम ज्योतिबा हो गया, और 5 हमारे अलग से होगा, हमारे घर पर रखने के लिए है ना, 5 अलग अलग जगहों पर रखने के लिए। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज ये जो सभी दीपक है ये इस स्थान पर भी रखेंगे ना उस स्थान पर, सबसे पहले आपको पहले जमीन पर कुछ रखना पड़ेगा, या जहाँ पर आपकी दीपक रखने वाले हो पहले वहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा। आप लोगों को खाली दीपक हम सीधा जमीन पर नहीं रख सकते हैं, या किसी स्थान पर नहीं रख सकते। तो देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास अगर कुछ सादा चावल के दाने रखे हुए पीले चावल का भी आपको कुछ नहीं करना है, बस पूजन वाले स्थान पर रखे रहने देना, वो भगवान राम का अभी आपके लिए स्वरूप रहेगा, है ना? तो आप चाहो तो कुछ पीले चावल के दाने अलग से ले सकते हो, या तो कुछ फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हो, या जो गेंदे की फूल की पंखुड़ियों होती है उनको तोड़कर रख सकते हो। करना क्या है, जहाँ जहाँ भी आप दीपक रखो वहाँ पर या तो थोड़े से चावल के दाने रख देना, या तो कुछ फूल के पंखों नहीं रख देना। उसके बाद उनके ऊपर इस ये सभी दीपकों को आप लोग रखना, खाली दीपक ऐसे मत रखना, ठीक है? तो राम ज्योति ये वाला जो दीपक है, आपके सारे काम हो जाने के बाद वो दीपक जला लेना। वैसे तो पूजन शुरू होने के साथ में ही आप लोग जो है अपने ये सभी दीपक जला लेना, राम ज्योति वाला और 5 दीपक है ना, और राम ज्योति का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देना। इस दीपक को जो एक बार आपने रख दिया उसको आपको दोबारा से नहीं उठाना है, और राम ज्योति के दीपक के नीचे भी आप या तो कुछ चावल के दाने रखना, या कुछ फूल की पंखुड़ियों, अगर ही उस राम ज्योति वाले दीपक को आप भगवान राम के सामने रख देना, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अब आप लोग अपने पास में कपूर भी जरूर रखना याद से, क्योंकि हम भगवान राम जी की आरती उतारेंगे, माता सीता जी की आरती उतारेंगे, लक्ष्मण जी की आरती उतारेंगे। तो या तो आप आरती को मोबाइल में लगा लेना, या अपने मुख से क्या लेना, और अपनी आरती में अपनी आरती की थाली में कपूर को जरूर रखना।
उस कपूर के सहारे से आप भगवान राम जी की आरती उतारना, ठीक है? पूरे मन और पूरे भाव से आप भगवान राम जी की आरती उतारना। पूरा घर, पूरे घर की सदस्य हैं आपके, वो सभी उस आरती में सम्मिलित हूँ। और जैसे ही आप लोगों की आरती पूर्ण होती है, आप आरती के समय, ये आरती से पहले जो है, सभी लोगों का तिलक भी जरूर करें, चावल या अक्षत भी उन्हें जरूर लगाएं। उसके साथ ही मैं दोस्तों, अब आपकी आरती भी पूरी हो गई है, अब आप 2 मिनट बैठकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आप भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, धन संपदा से जुड़ी हुई, आपको वो बोलना है, या जो भी समस्या हो वह भगवान से उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो आपके घर में हमेशा शांति ऐसे ही बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद, 2 मिनट की प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है, ये जो आपने 5 दीपक जलाकर तैयार रखे हुए हैं, इन 5 दीपकों आपको कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर रखने हैं, ना ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप 5 दीपक रख रहे हैं, क्योंकि 5 का एक अलग ही महत्व होता है, 5 नंबर की दीपक का मतलब 5 जो दीपक होते हैं वो एक सही दीपक माने जाते हैं, ठीक है? तो 5 दीपक कहाँ कहाँ पर आपको रखना है वो सुनिए। देखिए 5 दीपक में से जो सबसे पहला वाला जो आपका दीपक होगा, और इन 5 दीपक हो आप एक प्लेट में एक साथ जमा कर रखिएगा, ऐसा ना हो एक एक करके आप रख कर आए। एक प्लेट में थाली में अच्छे से 5 दीपक को जमा कर, साथ ही में आप लोग अपने साथ में फूल या चावल के दाने भी रखेगा, जहाँ जहाँ आप दीपक रखें वहाँ पर रखते भी जाएगा, ठीक है? तो आपका जो इन 5 दीपक में से सबसे पहला वाला दीपक होगा, या भगवान राम जी के सामने रखेंगे, आपके घर में जो भगवान जी विराजित हैं उनके लिए रखेंगे, ठीक है? पहला दीपक आपके घर के मंदिर के लिए ही होगा, राम ज्योति का दीपक लगाएं, और आपके घर के मंदिर का पहला दीपक वो अलग है, ठीक है? सारे दीपक मिट्टी के होंगे। दूसरे दीपक की बात करें तो ये आप लेकर जाओगे अपने घर के रसोई घर में, ठीक है? अपने घर के रसोई घर में अच्छा स्थान देकर अपने घर के रसोई घर में दूसरा वाला दीपक रख देना। तीसरा दीपक लेकर जाओगे आप अपने घर के, जो आपके घर में तुलसी मियां विराजित है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस जगह पर, और उस जगह पर जाकर एक दीपक, तीसरा वाला दूसरी महिला के लिए आप लोगों को रख देना है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों, आखिरी की जो 2 दीपक होंगे, 4थे नंबर का और 5वें नंबर का, ये आप लोगों को सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब मेन जो गेट होगा ना आपके दरवाजे का, उस दरवाजे पर जाकर एक साइड और एक किस साइड, दोनों साइड एक एक दीपक जो है, 4था और 5वां रख देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर 200 ये 5 दीपक हमने रख दिया है। ये 5 दीपक के अलावा आप ज्यादा भी दीपक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको 5 दीपक अलग अलग जगह पर रखने के लिए बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों, आपकी यहाँ पर पूरी पूजन पूरी हो जाती है, ठीक है? 5 दीपकों को रखने के साथ में, इसके साथ में आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, पूरी रात भर ना तो आपको दीपक को कुछ करना है, ना तो उन पीले चावलों को उठाना है, पर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है ना, तो भाई उस सुबह पर फिर आप अपने पूजित पीले चावल को उठाना, ठीक है? जब आपके पास ये पीले चावल आए तो इनका अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब आपकी पूजन हो जाए 22 जनवरी के दिन और 23 जनवरी की सुबह हो जाए, तो भी सुबह के सामने आप उन चावलों को उठाना। अब आपको इन चावलों को जहां पर भी रखने हो आप वहां पर रखना, चाहे आपको इन चावलों को अपने घर की तिजोरी में रखना वहां पर रखना, चाहिए रसोई घर में रखना हो वहां पर रखना, भंडार में रखना हो वहां पर रखना, क्योंकि इन 4 लोगों को आप जिस जगह पर भी रखोगे वो जगह आपकी कभी खाली नहीं होने वाली है, क्योंकि चावल का एक नाम अक्षय भी होता है, तो अक्षय वो चीज होती है जहाँ पर कभी कोई चीज खाली ही नहीं होती है ना, तो अक्षत को आप जहाँ पर रखोगे इन पी ले जाओ, और जहाँ पर रखोगे हमेशा आपकी उस जगह पर बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमने आपको 22 जनवरी के दिन